हेलो दोस्तों, मैं नूर सभा, आपका स्वागत है मेरे चैनल नूर जायका में। दोस्तों आज मैंने ब्रेड कोन चिकन समोसा बनाया है। जी हाँ दोस्तों, चिकन समोसा ब्रेड के कोन में, इसे हम चीज चिकन समोसा भी कह सकते हैं क्योंकि मैंने इसमें चीज भी डाला है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगी ब्रेड कोन चिकन समोसा कैसे बनाते हैं, लेकिन उससे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर आपने मेरे चैनल नूर जायका को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी नीचे लाल कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब बटन के बाजू में जो बेल का आइकन है उसे भी क्लिक करिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की आपको सूचना मिले। तो आइए दोस्तों देखते हैं ब्रेड कोन चिकन समोसा बनाने के लिए हमें क्या क्या सामान चाहिए। 200 ग्राम बोनलेस चिकन का हम कीमा बना लेंगे, एक ब्रेड का पैकेट, 6 सूखी लाल मिर्च क्रश की हुई, एक छोटा चम्मच काली मिर्च क्रश की हुई, लगभग 20 दाने लहसुन के क्रश किए हुए, इसे बारीक नहीं पीसना है, क्रश करेंगे। इसके साथ लगेगा हमें चीज, 2 बड़ा चम्मच मायोनीज, अगर आपको ज्यादा चाहिए तो ज्यादा भी ले सकते हैं, आधा कप दही और 2 अंडा, ये फ्राई करते वक्त लगेगा। चिकन को तैयार करने के लिए 1 बड़ा चम्मच तेल लगेगा और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से। सबसे पहले हम चिकन में दही, क्रश की हुई लाल मिर्च, क्रश की हुई काली मिर्च, क्रश किया हुआ लहसुन और नमक को डालकर इस तरह अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दोस्तों अब हमें इसे आधे घंटे के लिए ढककर छोड़ देना है। तब तक हम ब्रेड के किनारों को इस तरह से कट कर लेंगे। ये मैंने सारे ब्रेड को कट कर लिया है। ब्रेड के अब हम इस हिस्से को मिक्सर में बारीक पीस कर ब्रेड क्रम्स बना लेंगे जो हमें फ्राई करते वक्त काम आएगा। ये देखिए मैंने इसे पीस लिया है, इसमें जो बड़े हिस्से होंगे उसे निकाल दीजिए। ब्रेड क्रम्स तैयार हो चुका है, चिकन आधे घंटे के ऊपर मैरिनेट हो चुका है। अब हमें इसे इस तरह से एक बर्तन में तेल गर्म होने के बाद डालकर अच्छे से मिक्स कर लेना है। चिकन पकने पर पानी छोड़ेगा तो हमें इसे पानी सूखने तक पकाना है। फिलहाल मैं इसे 5 मिनट तेज आंच पर ढककर पकने के लिए छोड़ देती हूँ। ये देखिए चिकन ने पानी छोड़ दिया है, यह आप देख सकते हैं काफी पानी है। तो दोस्तों अब हमें इसे पानी सूखने तक पकाना है। तेज आंच पर इसे ढककर छोड़ देते हैं। ये देखिए दोस्तों पानी सूख चुका है, अब देखिए बिल्कुल भी पानी नहीं है, ये अब तैयार हो चुका है। अब हम गैस बंद करके इसे 5 मिनट ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। तब तक हम चीज को इस तरह से छोटे पीसेस में काट लेते हैं। अब हमें चिकन में मायोनीज डालकर अच्छे से मिक्स करना है। ये फिलअप के लिए तैयार हो चुका है। दोस्तों हम सभी ब्रेड को इस तरह से अच्छे से बेल लेंगे। दोस्तों अब इसका सबसे अहम हिस्सा, इसे कोन बनाकर फिलअप करके रेडी करना है। सबसे पहले हमें इस तरह से दो तरफ अच्छे से पानी लगा लेना है
उसके बाद हमें इस तरह से इसे फोल्ड करते हुए एक कोन की तरह उसे तैयार करना है। अब इसमें हम एक चम्मच चिकन फिल करेंगे। उसके बाद चीज को इस तरह से ऊपर ऐड करेंगे और फिर ये ऊपरी हिस्से में अच्छे से पानी लगाकर इसे इस तरह से लॉक करेंगे। दोस्तों, जो भी हिस्सा खुला नजर आ रहा है उसे हमें इस तरह से पानी लगाकर पैक कर लेना है। ये रेडी करने में थोड़ा इत्मीनान रखिएगा क्योंकि कोन बनाते वक्त ब्रेड जो है टूटता है, इसलिए हमें बड़े आराम से बनाना है। दोस्तों, जब सब कोन रेडी हो जाए तब हमें इसे फेटे हुए अंडे में इस तरह से डीप करना है। उसके बाद इसमें ब्रेड क्रम्स इस तरह से लगाना है। दोस्तों, ध्यान रहे कि इसका कोई भी हिस्सा छूटे ना, सब जगह ब्रेड क्रम्स अच्छे से लग जाए। जब पूरा कोन ब्रेड क्रम्स लगा के रेडी हो जाए तब हमें इसे तेल में डीप फ्राई कर लेना है। आंच जो है वो मीडियम हो। देखिए दोस्तों, ये गोल्डन कलर ले चुका है, अब ये रेडी हो चुका है और हम इसे तेल से निकाल लेंगे। दोस्तों, इसी तरह से हम सारे कॉर्न्स को फ्राई कर लेंगे। दोस्तों, ये हमारा ब्रेड कॉर्न चिकन समोसा रेडी है। आप भी इसे जरूर बनाइए, हरी चटनी के साथ इसके जायके का लुत्फ उठाइए। ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करिएगा और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा।